हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी निशू खान। आज की वीडियो आप देख सकते हो कि बहुत ही ड्रामेटिक लुक मैंने क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक मेकअप लुक अच्छा नहीं लगता तो आप इस आई बटन पे प्रेस कर दो। बहुत ही नेचुरल गो टू मेकअप आप इस पे देख सकते हो, यानी सॉफ्ट मेकअप। सो ये मेकअप जो है मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के सारे प्रोडक्ट यूज़ करके अचीव किया है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला प्रोडक्ट है सिटी कलर का ऑयल कंट्रोल प्राइमर स्प्रे। आप लोगों को पता होगा हाउ मच आई लव दिस सेटिंग स्प्रे, बिकॉज ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपके फेस से जो ऑयल निकलता है उसको कंट्रोल करता है। ये आप vigaz.pk से ले सकते हो, उनकी वेबसाइट में नीचे मैंशन कर दूंगी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं रिसेंटली मुझे ज़िबाइश ने सेंड किया है, दीज आर आई शेडो गाइड्स। इसको आप यूज़ कैसे करोगे, आप अपनी अंडर आई एरिया पे से अप्लाई करोगे और इसका काम क्या होता है। आप अगर एक आई शेडो यानी बहुत ही ड्रामेटिक मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो जिसमें आई शेडो गिरने का खदशा होता है, चांसेस होते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आप इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हो और आपके जो फॉल आउट है वो इस शेड के ऊपर गिरेंगे और आपका जो फेस या नीचे फेस मेकअप है वो ख़राब नहीं होगा। देन आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का सील एक्वा सील प्राइमर। ये आई शेडो प्राइमर है, आई डोंट नो कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, बट सिंपली बोला है कि इसे एक ड्रॉप लेके आपने अपने आईलिड पे लगा लेना है। बट इट इज़ रियली गुड फॉर ग्लिटर्स, ग्लिटर जो हैं इससे बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं आपकी आईज पे, बिकॉज ये बहुत ही स्टिकी था। मेरी आईलिड जो है वो बहुत ही स्टिक हो रही थी, मैं आँख ओपन करती थी तो फिर वो बंद नहीं होती थी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर योर आई शेडोज ग्लिटर वाले। ग्लिटर्स के लिए आप इसे पक्का यूज़ कर सकते हो। आई को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का डिफाइन एंड कंसील प्राइमर इन शेड C2, और ब्यूटी ब्लेंडर में ले रही हूँ ज़ेबाइश का। आप ये यहाँ देख सकते हो बिल्कुल वेट नहीं हुआ है, और यहाँ पे इसे मैंने वेट किया है, डबल साइज हो गया इसका एंड सुपर सॉफ्ट, आई एम लविंग इट। तो मैं अपने कंसीलर को जो है वो ब्लेंड करूँगी, अपनी आईलिड को फुल प्राइम करूँगी उसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, बहुत ही सॉफ्ट है। देन मैं आई शेडो के लिए यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का सॉफ्ट अल्ट्रा आई शेडो 24 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। बहुत ही लंबा नाम था बट इट्स ओके। देन आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड अपनी आईब्रो बनाने के लिए। तो आईब्रो बनाने के लिए सिर्फ तीन स्टेप्स हैं, नीचे लाइन लगाओ, आईब्रो के ऊपर लाइन लगाओ एंड देन फिल इट। तो वही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे उसी टेक्निक से फिल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ही डार्क आईब्रोज नहीं पसंद तो आप आईब्रोज ना बनाओ, लेकिन आई लाइक ड्रामेटिक मेकअप के साथ जब आप आईब्रोज नहीं बनाते हो तो वो आईब्रोज जो है वो पराई लगती हैं आपके फेस पे। तो मेक श्योर जब आप इतना इंटेंस मेकअप करो तो अपना आईब्रोज जो है ज़रूर बनाओ। तो मल्टीपर्पज़ पैलेट था ये। देन मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन करूँगी उसी कंसीलर के साथ, ऊपर भी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारी आईब्रोज जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे। देन मैं नीचे अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी उसी कंसीलर की मदद से, और उसे फिर ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ डू कलर का फ्लैट ब्रश। देन मैं शेड लूँगी पैन केक्स, और उससे मैं अपनी आईलिड को पूरी सेट करूँगी, जो हमने कंसीलर अप्लाई किया था उसको फुल सेट करूँगी ताकि जो नेक्स्ट कलर हम इस पर अप्लाई करें वो अच्छे से ब्लेंड हो, एक जगह पे रह ना जाए, क्योंकि अगर सिर्फ कंसीलर के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो आपके कलर्स अक्सर एक जगह पे रह जाते हैं। देन आई एम यूजिंग क्लाउड बेरी एज अ ट्रांजिशन कलर, और इसे मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी विद अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ जेसप का 228 लक्स क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश, और उसकी मदद से मैं क्लाउड बेरी शेड अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये कलर्स बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रहे हैं मेरे क्रीज पे, इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी है, कलर्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन मेटालिक शेड्स हैं जो कि थोड़े बहुत चौकी और डस्टी हैं।
देन आई एम यूजिंग शेड डेंजर और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी एरिया पे और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ 231 जोईवा का ब्रश। अच्छा, इस शेड को मैं स्लाइटली ब्लेंड करते हुए अपने इनर लिड तक लेके जाऊँगी। मेक श्योर कि क्रीज से आप ये कलर थोड़ा नीचे की तरफ ही लगाओ, लाइक क्रीज में ही इसको अप्लाई मत कर देना, वरना बहुत ही मैसी और अजीब सा लगता है। अच्छे आई शेडो की सबसे ज़रूरी बात होती है ब्लेंडिंग। आप आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करोगे तभी आपका मेकअप जो है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसे इनर लिड की तरफ लेके गई हूँ एंड देन मैं इसे एक क्लीन ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ इसके एंड्स को, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से और देन मैं यूज़ करी हूँ ये पर्पल शेड जिसका नाम है मिक्स्ड बेरीज, जिसको मैंने ब्रश की मदद से पहले अप्लाई किया बट उतना पिगमेंटेड रिजल्ट मुझे नहीं मिला। फिर मैंने अपनी फिंगर की मदद से इसे अप्लाई किया एंड बैम गर्ल, बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो जो है मेरी आई लिड पे अप्लाई हुआ है एंड यू कैन सी कि कितना मज़े का है ये कलर एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद पर्पल राइट नाउ, डोंट नो व्हाई। देन आई एम यूजिंग गोल्डन रोज का एक्सट्रीम स्पार्कल लाइनर और इसे मैं अप्लाई करी हूँ जहाँ मैंने क्रीज को कट किया था उसके ऊपर ही अप्लाई करी हूँ, अपनी उस क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए और अपनी आई लुक को थोड़ा और ड्रामेटिक और मज़े का दिखाने के लिए। एंड यू कैन गेट दिस बिकॉज इनकी वेबसाइट पे चल रहा है 50% ऑफ, देन गो अहेड एंड गेट इट बिकॉज इट इज़ रियली गुड। देन मैं यूज़ करी हूँ एले कलर का जम्बो आई लाइनर एंड इसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मैं इसे वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, इससे मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई अपने आईज में। देन आई एम यूजिंग शेड फेरी लाइट्स और इससे मैं यूज़ करूँगी अपनी ब्राउ बोन को हाई लाइट करने के लिए और इनर कॉर्नर्स को हाई लाइट करने के लिए। देन आई एम यूजिंग मग केक डेंजर एंड रोजवुड अपने लैश लाइन को ब्लेंड करने के लिए, स्मोक आउट करने के लिए लोअर लैश लाइन को एंड अगेन इनर कॉर्नर को हाई लाइट करने के लिए मैंने फेरी लाइट शेड यूज़ किया है। लैशेस के लिए मैंने मेकअप बाय लीना के लैशेस यूज़ किए हैं एंड दिस स्टाइल इज़ आई थिंक सैसी, यस। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसकी प्राइस थी 650 एंड द क्वालिटी इज़ सुपर अमेजिंग एंड सुपर अफोर्डेबल। देन उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का फास्ट फाउंडेशन इन शेड F6। यस, इट इज़ अ बिट डार्क फॉर मी बट कंसीलर के साथ सेट हो गया था मेरा फाउंडेशन। इसका फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी है, बहुत मतलब बहुत। आई एम यूजिंग इट फॉर दूसरी बार एंड आई वॉज सरप्राइज कि कितना मज़े का मेरा फाउंडेशन बना। लाइक लिटरली आप देख सकते हो, ऐसे लगता है कि मैं फोटोशॉप होके आई हूँ। लाइक माई फाउंडेशन वॉज रियली रियली अमेजिंग एंड फ्लॉलेस। डोंट नो कि ये फाउंडेशन का कमाल था या उस प्राइमर स्प्रे का कमाल था, आई डोंट नो, बट आई लव दैट स्प्रे एंड आई एम लविंग दिस फाउंडेशन लेटली। बट इस बहुत ही ज़्यादा हैवी थी ये फाउंडेशन, यू कॉन्ट वेयर इट फॉर एवरीडे यूज़ और ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, आई डोंट थिंक सो कि ऑयली स्किन के लिए अच्छी होगी, बट इट इज़ रियली गुड फॉर ड्राई स्किन। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड लेट मी टेल यू गर्ल्स बिकॉज आई हैव बॉट ईच एंड एवरी थिंग मेरे अपने पैसों का। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग इज़ दिस मेकअप रेवोल्यूशन की कंटूर किट इन शेड मीडियम, जिसमें है दो स्टिक्स एंड एक ब्रश। इस स्टिक में है कंसीलर एंड हाइलाइटर। इसका हाइलाइटर बहुत ही मज़े का है, कंसीलर मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसका हाइलाइटर बहुत ही प्यारा है, रियली गुड फॉर मीडियम स्किन टोन, नॉट फॉर फेयर स्किन टोन। तो ये है कंटूरिंग स्टिक जिसमें एक तरफ है ब्रॉन्जर, दूसरी तरफ है कंटूरिंग शेड। तो जो कलर लाइट है वो है ब्रॉन्जर और जो डार्क है वो है कंटूरिंग शेड। तो मैं अपने पूरे फेस की कंटूरिंग करूँगी जॉ लाइन और नोज़ को शार्प दिखाने के लिए और पतला दिखाने के लिए इसे मैं अप्लाई करूँगी। इसके साथ अपना ब्रश भी आता है बट मैं वो ब्रश यूज़ नहीं कर रही, मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, ज़ेबाइश का ब्यूटी ब्लेंडर। देन कंसीलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का डिफाइन एंड कंसील का कंसीलर और इसे मैं अपने हाईलाइटिंग एरिया पर अप्लाई करूँगी।
होंगी लाइक अंडर आईज, नोज, फॉरहेड, चिन, एवरीवेयर, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी। देन आई एम यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर बाय ज़ेबाइश और इससे मैं अपने पूरे फेस को लाइक कंटोरिंग, कंसीलर, एवरीथिंग मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंटोरिंग स्टिक यानी फेस की कंटोरिंग आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। मेकअप में कोई रूल्स नहीं होने चाहिए, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे करो। तो ये कंटोरिंग स्टिक जो है बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंड हो गई है। इसकी प्राइस थी आई थिंक 2,250 रुपीज़ और आजकल फ्लैट सेल चल रहा है उनकी वेबसाइट पे। आई डोंट नो कि कितने परसेंट सेल है, बट फिर भी मैं मेंशन कर दूंगी उनकी वेबसाइट को सिर्फ फॉर यू गाइस बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। देन आई एम यूजिंग माय फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर बाय APK एंड शेड है 02। दिस वन इज़ ऑयल कंट्रोल एंड SPF है इसमें 25। इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। अगर आपको अंडर आइज की क्रीसिंग होती है देन यूज़ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर बिकॉज इट इज़ स्टनिंग। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करी हूँ रूट कॉस्मेटिक्स का ब्लश पैलेट एंड मैं ये शेड यूज़ करूँगी अपने फेस की कंटूरिंग सेट करने के लिए। तो इस पैलेट में आपको टोटल 6 शेड्स मिलेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज ना ही ये पाउडरी है, ना ही डस्टी है एंड ना ही इतना पिगमेंटेड है। ब्यूटिफुली ब्लेंड हो जाता है एंड लुक्स रियली नेचुरल। देन मैं अपनी कंटूरिंग को शार्प दिखाने के लिए अपनी चीक्स को कट करूँगी, लाइक पाउडर अप्लाई करूँगी और ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी आई हर्ट मेकअप का ब्लशिंग हार्ट। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा ब्लश है। मैं वाइट पार्ट छोड़ के पिंक जो है उससे सिर्फ अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही मज़े का सैटिन फिनिश ब्लश है, लाइक जैसे कि बेक्ड ब्लशेस होते हैं उस तरह से इफ़ेक्ट है इस ब्लश का आपके चीक्स पे। बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंड हो जाता है आपके चीक्स पर। देन आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का रेट्रो लक्स मैट लिप कंटोर किट और ये है इन शेड एक्लोन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसमें है एक लिप लाइनर एंड अ मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि कलर कैसा होगा, बट आई एम लविंग इट। इसका लिप लाइनर बहुत ही क्रीमी एंड सॉफ्ट और पिगमेंटेड है, लाइक यू कैन सी। देन द मैट लिक्विड लिपस्टिक इज लॉन्ग लास्टिंग, कंफर्टेबल और उसकी कोई स्मेल भी नहीं है और इसकी प्राइस थी 950 रुपीज़। तो हाइलाइटर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर इन शेड शैम्पेन और साथ में शिमर ब्रिक भी है मेरे पास, बट आई एम यूजिंग द लिक्विड हाइलाइटर बिकॉज बहुत ही मज़े का और नेचुरल ग्लोई सा इफेक्ट देता है ये हाइलाइटर। तो आप इसे फाउंडेशन में भी ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सी कि ये बहुत ही मज़े का कलर है जो कि मीडियम स्किन टोन और फेयर स्किन टोन पर बहुत ही मज़े का लगता है। यू नीड जस्ट वन ड्रॉप एंड दैट्स इट। आप इसे फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, इवन आप ब्रश भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिपलिंग ब्रश यूज कर रही हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए एंड इट वर्क्स रियली गुड। देन मैं मेकअप सेट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ एंड दिस इज गुड, लाइक बस ठीक ही है। देन लैशेस के लिए मैंने यूज़ किया था मेकअप एकेडमी का एम्पलीफाई स्टेटमेंट लैश मस्कारा एंड टाइम नहीं मिला उसे फिल्म करने के लिए। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज किया है एंड लेंसेज आई एम वेयरिंग राइट हेयर है सोलोटिका हाइड्रोकोर टोपेज, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है अबाउट माई लेंसेज। सो कैन वी अप्रिशिएट द लिप कलर, लाइक आई जस्ट लव दिस लिप कलर एंड द फाउंडेशन इज लिटरली अमेजिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आई हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।